देख पाने आयकर माँ जगदम्बा। या देवी सर्वभूत चेतनित्य भिधीयते। यदि युद्ध करना ही आपकी अभिलाषा है माता, मैया की रक्षा के लिए मैं आपसे युद्ध लड़ूंगा। अपने वचन की रक्षा कर ली। काना, तेरी नटखट लीना ना रत्ती भर भी मुझे नहीं सुहाती है। हर पल हमेशा तू अपनी मनमानी ही करता है। तू जानता था ना काना कि मथुरा से उज्जैनी की दूरी कितनी अधिक है, फिर भी तूने बाबा की बात नहीं मानी। सब एक स्वर में कह रहे थे कि गुरु संदीपनी के आश्रम रथ पे जाओ, बहुत दूर है, लेकिन नहीं, तू कहां किसी की सुनने लगा। आदर्शवादी बनने की धुन सवार थी ना सर पर। नहीं बाबा, गुरु संदीपनी के आश्रम में चल के जाना चाहिए, हमारी परंपरा का आदर करो। तो करो अब आदर, इतना चल चल के पैर दुख गए और भूख लगी है सौलक। अब कितनी दूर है उज्जैनी, भूख बहुत लगी है, चला नहीं जा रहा है, नींद भी बहुत आ रही, चलो अभी चलो। अब उज्जैनी और कितनी दूर है। राम अवतार में तो आप लक्ष्मण बनकर 14 वर्ष तक सोए नहीं थे, और अब कुछ पग चलने के बाद ही मुझे दोष दे रहे हो। वत्स, तुम दोनों मथुरा से आए हो ना? हाँ। बलराम और कृष्ण? हाँ, और आप? मुझे अपना मार्गदर्शक समझो। त्रिकालदर्शी आचार्य संदीपनी जी को तुम्हारे आने का संकेत मिल गया था, इसलिए तुम्हें कुशलता पूर्वक आश्रम लाने के लिए आचार्य जी ने मुझे भेजा है। अर्थात गुरु संदीपनी का आश्रम अधिक दूर नहीं है काना। ए पथक, अपना सब कुछ हमें सौंप दो। ये आचार्य संदीपनी जी के शिष्य बनने जा रहे हैं, इनके मार्ग से हट जाओ दस्यु। हटना तो तुझे पड़ेगा साथ। तुम इनसे मत उलझो, ये बलराम और कृष्ण हैं। तो क्या हुआ, आभूषण उतारो। अपने काल का आवाहन मत करो दस्यु, इनका मार्ग छोड़ दो। तुम इनके पराक्रम को नहीं जानते हो, इनके पराक्रम का सामना नहीं कर पाओगे तुम। इनका पराक्रम तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुझे अपना पराक्रम दिखाता हूँ। मत मारो, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं पहचान पाया, मुझसे भूलोगे मुझे मत मारो। उठिए उठिए। आप कुशल तो है ना, आपको अधिक चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आओ आश्रम चलते हैं, आचार्य संदीपनी जी हमारी राह देख रहे होंगे, चलिए।
आओ शिष्यो, यदुकुल के दोनों राजकुमारों का स्वागत है इस आश्रम में। आनंदित रहो, बहुत लंबी यात्रा से आ रहे हो, थक गए हो गए, पहले कुछ जलपान कर लो। जो आज्ञा गुरु। वत्स, जाओ इनके लिए जलपान की व्यवस्था करो। जो आज्ञा आचार्य। वत्स, चलो। आओ कृष्ण, बलराम बैठो। सुना है तुम पर दस्युओं ने हमला किया, सब कुशल तो है ना? आपके आशीर्वाद से सब कुशल है गुरु। काना, खीर। ये विशेष खीर है, विशेष रूप से तुम दोनों के लिए बनवाई है मैंने। जानते हो इसका लाभ? इसे खाते ही तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी और गहरी नींद आएगी। प्रातः काल जब तुम दोनों उठोगे तो स्वयं को बहुत आनंदित और पुलकित अनुभव करोगे। कल से हम तुम्हारा विद्या आरंभ करवाएंगे, इसलिए आज तुम्हारा गहरी नींद आना बहुत आवश्यक है। लो, संकोच ना करो, ग्रहण करो। अर्पण मस्तु, आप भोग लगाएंगे, उसके पश्चात ही हम प्रसाद पाएंगे। मैं दिन में एक ही बार भोजन करता हूं कृष्ण, हम जो भी कुछ ग्रहण करेंगे कल करेंगे। तब तो हम भी प्रातः काल ही आपको नैवेद्य अर्पित करके ही हमारा उपवास तोड़ेंगे। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और इसे यहां भी आदर्शवादी बनने की पड़ी है। उच्च संस्कार है तुम्हारे कृष्ण, जाओ जाकर विश्राम करो। वत्स नयमणि। जी आचार्य। इनका विश्राम का प्रबंध करो। जो आज्ञा आचार्य। चलो वत्स। क्या हो गया, रोष है? नहीं नहीं, प्रसन्न हूं मैं, अति प्रसन्न हूं कि मेरा काना सिद्धांतवादी आदर्शवादी हो गया है। रथ छोड़कर पैदल यहां आया, सामने से भोजन आया वो भी खाने नहीं दिया, और हां, गुरु शिष्य परंपरा का क्या निर्वाह किया है मेरे भाई ने। दाव, यही तो संस्कार मिले हैं हमें, पहले गुरु की सेवा फिर अपनी सेवा, अर्थात पेट पूजा। निभा लिया ना संस्कार, तब मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है मुझे। और हां, दोबारा पेट पूजा की बात तो करना ही नहीं, सो जा। दाओ, पुराणों में घर से बाहर निकलने पर श्वान निद्रा का परामर्श दिया गया है। श्वान के सामने सोते सोते भी जागते रहना। बचा 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 बचा।
तुम्हें इस बात का पहले से आभास कैसे हो गया कि हम पर संकट आने वाला है? आओ। जब मैं उस साधु के साथ सोने के लिए चटाई लेने गया था तभी आश्रम में अस्त यहां इन अस्त्रों का क्या काम? चटाई ले ली हो तो चलो कृष्ण, रात अधिक हो गई है। जी अब मैं समझा कि तुम स्वान रुद्र के बारे में क्यों बात कर रहे थे। विधाता की कृपा है कि तुम दोनों सकुशल हो। वास्तविकता यह है कि तुम दोनों की कुशलता से मैं बहुत चिंतित था। यह डाकू का क्षेत्र है, यहां प्रायः डाकू हमला करते रहते हैं, क्योंकि मार्ग से आते समय तुमने डाकुओं को परास्त किया था, इसलिए वे बदला लेने आए होंगे और उन्हीं डाकुओं के भय से हमें इस आश्रम में अस्त्र रखने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से यह उचित है। संसार को यह भी पता होना चाहिए कि जो हाथ शास्त्र उठा सकते हैं शस्त्र भी उठा सकते हैं। नाग पूजन और नाग दलन दोनों ही प्रसिद्ध हैं इस राज्य में, सतर्क रहना। कृष्ण बलराम, आज्ञा गुरुवर। अपने गुरु भाइयों के साथ वन में जाकर पशुओं का आखेट करके लाओ, जिससे आश्रम में भोजन की व्यवस्था हो। जो आज्ञा गुरुवर। चलो काना आखेट करने। कृष्ण, मैंने कहा पशुओं का आखेट करके लाओ, क्या तुमने सुना नहीं? जी सुना। फिर तुम बैठे क्यों हो? जाओ। क्षमा करें गुरुवर, जीव हत्या पाप। भूख शांत करने के लिए प्रकृति के आंगन में पशुओं के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। फल फूल कंदमूल शाक भाजी, हम इनसे भी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हम शिष्यों को पशु आखेत की आज्ञा ना दें। मांसाहार वैसे भी तामसिक विचारों को जन्म देते हैं। उत्तम विचार, अति उत्तम विचार। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य सिद्ध होगे। अब तक मैंने तुम्हारी कई परीक्षाएं ली और हर परीक्षा में तुम सफल भी हुए, किंतु अब मैं तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लूंगा। जाओ अखाड़े में जाकर व्यायाम करो और फिर हम जलपान के बाद अध्ययन मनन की दिनचर्या प्रारंभ करेंगे। जो आज्ञा। ये तो उस दिन सभी दसियों पर अकेला ही भारी था, फिर उस दिन पिटता क्यों रहा? जब आचार्य स्वयं ही आश्रम में अस्त्र रखते हैं तो फिर इसे भी कोई रोक नहीं होगा। बाहर क्यों खड़े हो? अखाड़े के भीतर आ जाओ। मिट्टी से मिलोगे तभी तुम्हें अखाड़े का सही अर्थ समझ में आएगा। लड़ जाओ।
तुम्हारा भाई बड़ा बलशाली है। हाँ ऋषिव, मुझे बचपन से ही कुश्ती और पहलवानी बहुत प्रिय है। बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को दिन में तारे दिखाए हैं उन्होंने। और तुम कुश्ती नहीं लड़ते? ऋषिवर, मैं तो केवल दिन में तारे दिखाता हूँ, पर काना तो सीधा ही हम लोग भेजता है। अच्छा, तो तुम दोनों को अपने पराक्रम का अभिमान है? इसे अभिमान नहीं, तो अभिमान कहते हैं। मनुष्य को अपने गुण, अपने कौशल, अपनी विशेषता पर स्वाभिमान होना ही चाहिए। स्वाभिमान पुरुष का आभूषण होता है। तो आओ, तुम्हारे स्वाभिमान को मैं चुनौती देता हूँ, लड़ो मुझसे कुश्ती। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, आप वृद्ध हैं, मैं आपसे कुश्ती नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं आपको पछाड़ना नहीं चाहता। सीधा ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने हड्डियों के चूरमा बनने का भय है? मेरे भीतर कोई भय नहीं है ऋषिवर। आ, इसका प्रमाण दे और लड़ मुझसे कुश्ती, अन्यथा कह दे कि तुझे मेरी चुनौती स्वीकार नहीं है, हार गया है तू। नहीं, हार मुझे प्रिय नहीं, चुनौती स्वीकार। वाओ, लड़ो। आजा कृष्ण। क्षमा कृष्ण, क्षमा, मुझसे भूल हो गई, मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे पराक्रम को आंक नहीं सका। पराक्रम तो मैं भी तुम्हारा नहीं आंक पाया। उस दिन डाकुओं से पिटने वाले आज वही पराक्रम से लड़ रहे थे। आज जिस पराक्रम से लड़ रहे थे वो चकित करने वाला था। सच बताओ, कौन हो तुम? अनुभवहीनों और बच्चों से बहुत लड़ लिया तुमने, यदि तुम स्वयं को कुश्ती में निपुण मानते हो तो आओ मुझसे लड़ो। यदि तुमने मेरे दांव का उत्तर दे दिया तो मैं आजीवन तुम्हारा सेवक बनकर रहूं। क्षमा कीजिएगा गुरुवर, हम आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। अपनी मृत्यु से भयभीत हो गए? नहीं। तो आओ, लड़ो मेरे साथ कुश्ती। मैंने सुना है कि तुम बड़े बड़े महाबलियों को दिन में तारे दिखाते हो और कुश्ती लड़ने वाले को यमलोक पहुंचा देते हो। मैं परखना चाहता हूं तुम्हारे कौशल को। आओ, ये तुम्हारे गुरु का आदेश है। शोध की धधकती आग ने आपको बावला कर दिया है सम्राट जरासंध। आप विवेक शून्य हो गए, गुरु शिष्य धर्म की मर्यादा भूल गए हैं। आप मिथ्या गुरु बनकर गुरु जैसे महान आदरणीय नाम को कलंकित करने की भूल की है आपने। आपको इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा सम्राट जरासंध। आपका दंड है। जब तक हम दोनों भाई उज्जैनी में गुरु संदीपनी से शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक आप इसी प्रकार मिट्टी की मूर्ति बन के रहेंगे।
अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए सम्राट जरासंध। जब हम दोनों भाई वापस उज्जैन से मथुरा लौट जाएंगे तभी आपको इस दंड से मुक्ति मिलेगी।